मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि आज 11 मई 2024 है और आज हमारी भाई प्यारी थी बहू मोनिका का जन्मदिन है, तो जैसे मेरे बच्चों का जन्मदिन होता तो मैं कुछ ना कुछ खास बना देती थी। ज़्यादा इनको इडली डोसा बहुत पसंद था, तो मैंने इनसे पूछा तो कहा मैं भी इडली खाना चाहूँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक, तो मैंने इनके लिए इडली बनाई। मैंने कहा इडली बनाइए, तो इनको हम प्यार से परोस भी देते हैं, ये देखो। और तो बनाने से पहले भगवान का भोग लगाना मेरी आदत में है, तो भोग लगा देती हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने बनाई है चटनी मूंगफली और नारियल की। कैसे बनाया वो प्रोसीजर मैंने आपको आगे मैं बता रही हूँ कि मैंने किस तरह बनाया है। 3 कटोरी मैंने चावल लिया है, उसमें 1 कटोरी दाल लिया, रात को उसको भिगो दिया, और चावल में मैंने थोड़ी सी डाल दी थी मेथी। तो मेथी जो होता है वो इनों का भी काम करता है और बहुत अच्छे फूलती, साथ में पेट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो पाती है, स्वाद सुपाच्य है। तो उसको भिगो दिया, जब उसमें खमीर उठा तभी हम आगे आपको दिखाएंगे वीडियो में कि किस तरह हमने इसको पेस्ट बनाया है, किस तरह डाला। तो बेटा तुम जरा खा के बताओ कैसी इडली बनी है। यही मेरी तरफ से तुम्हारी मम्मी का यही गिफ्ट है बर्थडे पर। अच्छा लगा। और क्या ऐसा तुम बनाती हो अपने घरों में? ऐसे अपने फरा बनाते हैं। फरा बनाती तो फरा भी अच्छा, किसी ने बनाएगी तो हम जब गाँव में रहते हमने भी कई बार फरा बनाया था। उसमें छोटे छोटे आटे की शायद रोटी बना के बीच में दाल भर देते हैं, उसको फिर भाप में पकाया। प्रोसीजर तो वही, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है। इनको अच्छा लगा मुझे जानकर खुशी हुई। तो आगे हम दिखाती हूँ कि किस तरह हमने इडली बनाया, किस तरह सर्व किया, और भाई हमारा इनके प्रति प्रेम आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। बेटा बेटा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, आप में सद्बुद्धि बनी रहे, इसी तरह आप लोगों से प्यार करती रहे, इस परिवार को अपना परिवार समझती रहे। यही अब आपका घर है, यहीं पर रहना है। तो एक बार जन्मदिन की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहोगे सबसे? सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं तुम्हें। बोलो भैया, पूरा दुनिया देख रहा है, बोलो। कुछ बोलेंगी? ऐसा परिवार सबको मिले, जोर से। ऐसा परिवार सबको मिले। चलिए, ऐसी बहू भी सबको मिले जिसके मन में इतना प्यार हो कि ऐसा परिवार, ऐसी माँ, ऐसी ननद, ऐसा पति सबको मिले। तो तुम्हारी मन की सुंदर भावनाओं के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। सबको टाटा बाय बाय।